का माली के बच्चे ठीक से पानी देना पौधों में। ए बच्चा लाल। जी मालकिन। ये देखिए पत्ते कैसे सूख रहे, तो ध्यान क्यों नहीं देता? जी जी। ए माली। जी मालकिन। मम्मी मम्मी, वो क्या है, बिना सच्चाई जाने प्रिया को सारे गहने नहीं देने चाहिए थे ना? क्यों? ये जरूरी नहीं है कि नाना जी ने कहा लड़का होगा तो लड़का ही होगा। नाना जी की भविष्यवाणी आज तक कभी गलत हुई है क्या? उन्होंने ये नहीं कहा था कि डैडी ने पेड़ चुराया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि चोरी करने वाले के हाथ में हथियार होगा। लेकिन भरत का हथियार से कोई लेना देना नहीं है ना, फिर भी वो बोफोर्स का सारा माल हड़प कर रहा है। नाना जी भी गलत साबित हो सकते हैं। देखिए मम्मी, अगर आप असलियत जानना चाहती है ना, तो उसका एक ही तरीका है। क्या? स्कैनिंग। स्कैनिंग? वो क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब है डिलीवरी से पहले माँ की कोख में लड़का या लड़की ये टीवी पे दिखाई देता है। टीवी पे? हाँ मालकिन, आप नहीं जानती, आजकल मार्केट में एक नया टीवी आया है। बच्चा लाल, माँ जी को जरा समझा देना। मालकिन, उसका नाम है केबल टीवी, जिसपे सन टीवी, मून टीवी, जी टीवी, घी टीवी। मानू ने तुझे कुछ भी बड़बड़ता है, मारू को फटा टीवी, आर टीवी, एम टीवी, बी टीवी। मम्मी, ये टीवी सिर्फ हॉस्पिटल में होता है। हम प्रिया को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टीवी पर देखकर बता देगा सच क्या है। और खर्चा भी ज्यादा नहीं है, 500 रुपए बस, सिर्फ 500 रुपए। ये 500 रुपए किसने चाहिए? ये जानने के लिए कि लड़का है या लड़की। इसमें 500 रुपए बर्बाद करने की क्या जरूरत है, चड्डी उतार कर देख लो बच्चे की। डैडी, हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो प्रिया के पेट में है। मामला क्या है मेरा नाम लखन भैया, क्यों मम्मी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं आप लोग? भरत, मैं प्रिया को अस्पताल ले जाना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ प्रिया को? नहीं नहीं, उसे हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ चेकअप कराना है ताकि ये पता चल सके कि उसकी कोख में लड़का है या लड़की। क्या मतलब? मतलब स्कैनिंग। स्कैनिंग? कोई स्कैनिंग वैनिंग नहीं होगी मम्मी, तुमको मालूम है स्कैनिंग से बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। क्या? या? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो हॉस्पिटल में ये मशीन ही नहीं होती। छोटे, चल के देखें तो सही। मम्मी चला जा बेटा, असलियत के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि बच्चा किस पोजीशन में है। ठीक है डैडी, आप कहते तो मैं चला जाता हूँ। तो जाओ, प्रिया को लेकर आओ। आज नहीं, मैं कल जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कल मुझे कोर्ट जाना है और मुझे भी दुकान खोलनी है। अरे वाह, स्कैनिंग मेरी बीवी की, आप लोग दोनों की है? अरे भाई, बीवी मेरी, मैं कल उसको ले जाऊंगा, स्कैनिंग करवा लूंगा। क्यों मम्मी? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं स्कैनिंग में क्या होगा। अरे क्या होगा यार, लड़का होगा लड़का। लो डॉक्टर साहब, आ गए। मुबारक हो मिस्टर भरत भटनागर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपके घर लक्ष्मी आने वाली है। देखा, मैंने कहा था ना। क्या कहा आपने? यस, आपके घर बेटी पैदा होने वाली है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये एक्सरे फिर से चेक कीजिए। फिर से चेक करने की कोई जरूरत नहीं, लड़की ही है। भरत, भरत, गधा मुलायम, कुत्ता मुलायम, डिटेक्टिव नहीं डिफेक्टिव मुलायम, ना लायक मुलायम। ये मेन पॉइंट मेरे भेजे में साला पहले क्यों नहीं आया? अरे मेरी जान अटकी पड़ी हुई है, तू क्या नाटक कर रहा है यार? ये नाटक नहीं, फाटक खुल गया है। तू प्रिया के बाहों में बाहें डालकर जा और घर वालों को शान से कह दे कि बेटा ही पैदा होने वाला है। अच्छा, और मेरे दोनों भाई जो इंतजार कर रहे हैं इस रिपोर्ट का, वो मेरी माँ को बताएंगे नहीं? क्या बात करता है यार। इसमें लड़का या लड़की दिखाई दे रहा है? सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है कि लड़का होने वाला या लड़की, तुम्हारे वो दोनों गधे भाई नहीं। लेकिन मल्लू, मल्लू वल्लू कुछ नहीं यार, तू टेंशन मत ले, हम तुम्हारे साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा। तू जाके बोल दे बेटा होने वाला है। चलो पिया। ओके।